दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ मौजूद हूं हरियाणा की बांगर की धरती की एक ऐसी विधानसभा सीट जिस विधानसभा सीट को लेकर हमेशा चर्चाएं रही, ऐसी विधानसभा सीट जिसने कि बड़े बड़े जो हरियाणा के राजनीतिक घराने हैं उनको अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। ये ऐसी विधानसभा सीट जिन पर कि जो हरियाणा के बड़े बड़े पॉलिटिकल जो राजनीतिक घराने हैं, जो बड़े पॉलिटिकल हाउसेस हैं, उनके प्रतिनिधि और या फिर उनके चाहने वाले विधायक बनते रहे। और ऐसी विधानसभा सीट जिस पर अब की बार एक साधारण कार्यकर्ता ने, सामान्य व्यक्तित्व ने दोनों बड़े राजनीतिक घरानों को चुनावी शिकस्त दे दी, राजनीतिक शिकस्त दे दी। मैं आपसे बात कर रहा हूं उचाना विधानसभा की, जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट, बांगर की एक प्रमुख राजनीतिक ऐसी जो इस पर नजर रहती है सभी की, वो विधानसभा सीट। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि उचाना विधानसभा 1952 में अस्तित्व में आई, उस समय ये पेप्सो का हिस्सा हुआ करती थी। और 1952 से पहले जब संयुक्त पंजाब था उसके अंदर ये विधानसभा सीट सिरदा के नाम से हुआ करती थी। 1952 में जब ये विधानसभा सीट अस्तित्व में आई और तीन चुनाव इसके अंदर पेप्सो के तहत हुए। यहाँ पहला चुनाव जो 1952 का था, इंदर सिंह श्योकंद चुनाव जीते थे और उसके मुकाबले चौधरी नेकी राम चुनाव हार गए थे। चौधरी नेकी राम के बेटे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां। तो चौधरी इंदर सिंह श्योकंद चुनाव जीते और चौधरी नेकी राम चुनाव हारे। उसके बाद अगला चुनाव आया, अगले चुनाव के अंदर फिर इसके अंदर जो चुनाव हुआ वो 1967 में हुआ। और उस चुनाव के अंदर जो मैंने आपको बताया कि यहां पर जो तीन चुनाव पेप्सो के तहत थे, जो 1967 का चुनाव हुआ हरियाणा बनने के बाद पहला जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर जगजीत पोलू, चौधरी जगजीत पोलू चुनाव जीते और उनसे चुनाव हारे सुरजीत सिंह मान। 1968 में फिर चुनाव हुआ और 1968 में जो चुनाव हुआ उसके अंदर सुरजीत मान चुनाव जीत गए, उन्होंने जगजीत पोलू को चुनाव हरा दिया। 1972 में फिर यही दोहराया गया, सुरजीत मान चुनाव जीते और जगजीत पोलू हारे। 1977 का चुनाव ऐसा चुनाव हुआ, यानी कि जो तीन चुनाव थे 1967, 68 और 72, ये तीन चुनाव लगातार जगजीत पोलू हारते रहे। एक चुनाव जीते 1967 का, उसके बाद में हारते रहे, 1968, 72 हारे और सरजीत सिंह मान जो पहला चुनाव हार गए थे वो जीते लगातार दोनों बार। 1977 इमरजेंसी के बाद में हरियाणा का पहला विधानसभा चुनाव, उस चुनाव परिणाम ने चौंकाया जो मैं आपको बता रहा हूं कि फिर राजनीतिक घरानों की बात चली, हालांकि बात तो चलती है फिर वो चौधरी नेकी राम से ही शुरू होकर के। 1977 के चुनाव के अंदर यहां पर जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ, देश के अंदर कांग्रेस विरोधी माहौल था, लोकदल के पक्ष की हवा थी, लेकिन उस चुनाव ने सबको यूं चौंकाया कि यहां पर चौधरी नेकी राम के बेटे कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने वाले वीरेंद्र सिंह डूमर खां, चौधरी वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत गए और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने चुनाव हाया जनता पार्टी के रणवीर सिंह को। 1977 का चुनाव जब हुआ उसके अंदर जनता पार्टी की लहर, जिसके अंदर की चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां चुनाव जीत गए और उनके मुकाबले रणजीत सिंह जो चुनाव थे, रणवीर सिंह, वो चुनाव हार गए जनता पार्टी के कैंडिडेट। 1982 में फिर चुनाव आया और 1982 का चुनाव फिर जीत गए चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके सामने चुनाव हारे देशराज नंबरदार 1982 के अंदर। उसके बाद 1984 में लोकसभा का चुनाव हुआ और चौधरी वीरेंद्र सिंह लोकसभा में चले गए। 1985 के अंदर विधानसभा का उपचुनाव हुआ 1985 में और उपचुनाव के अंदर सूबे सिंह पूनिया चुनाव जीत गए। सूबे सिंह पूनिया ने यहां पर इंदर सिंह श्योकंद को चुनाव हरा दिया। यह 1985 का उपचुनाव था। फिर 1987 का चुनाव आया। 1987 के अंदर हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल की लहर थी, हरियाणा संघर्ष समिति और जो बाद में भारतीय लोकदल हुई उसके साथ में जो बीजेपी का अलायंस था, उन्होंने चुनाव लड़ा 1987 का और 1987 के चुनाव में देशराज नंबरदार यहां से चुनाव जीत गए लोकदल के कैंडिडेट के तौर पर। उन्होंने सूबे सिंह जो कांग्रेस कैंडिडेट थे उनको चुनाव हरा दिया। ये जो लहर थी चौधरी देवीलाल की, जिसके अंदर चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में 1987 से लेकर के और 1992 तक के लिए चुनाव हुआ था, लेकिन सरकार चार साल ही चली, 1991 में फिर चुनाव आ गया, सरकार धराशायी हो गई, बीच में गिर गई। 1991 के चुनाव में यहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह फिर चुनाव जीत गए और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इस चुनाव के अंदर जो हराया वो चौधरी भाग सिंह को हराया। 1991 के बाद फिर 1996 का चुनाव आया।
और 1996 का चुनाव फिर से जीत गए चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बार फिर विधायक बने 1991 के बाद 1996, और उसके बाद में फिर 2000 का चुनाव आया। 2000 के चुनाव के अंदर हरियाणा के अंदर लहर बनी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। उस चुनाव के अंदर हरियाणा के अंदर जो लहर ऐसी बनी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कि उस चुनाव के अंदर भाग सिंह चुनाव जीते। भाग सिंह इनेलो के कैंडिडेट के तौर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कैंडिडेट, और चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां इस चुनाव को हार गए। यानी कि जब हरियाणा के अंदर 1987 में चौधरी देवीलाल की लहर चली तो उस समय भी लोकदल चुनाव जीती, हेमराज नंबरदार चुनाव जीते, और उसके बाद जब 2000 में एक बार फिर हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की बीजेपी से अलायंस के बाद हवा चली, उस चुनाव के अंदर यहां से भाग सिंह चुनाव जीत गए। 2005 का चुनाव आ गया, और 2005 के चुनाव में यहां पर हरियाणा के अंदर पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर चली, और उस लहर के अंदर यहां पर चुनाव जीत गए फिर से चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां सीएम की लाइन में थे, लेकिन मुख्यमंत्री बने उस समय वे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 के चुनाव में। और उस 2005 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मिनिस्टर फाइनेंस हुए, वित्त मंत्री। 2009 में फिर से चुनाव आया, हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस आ गई, पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं, 40 विधायकों के साथ में और हजगा के 5 विधायक तोड़ करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा धारांतर मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जो 2009 का चुनाव था जो आपको बता रहा हूं, उस चुनाव के अंदर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस की सरकार भी बन गई, लेकिन विधायक बने उचाना से ओम प्रकाश चौटाला। पहली बार ओम प्रकाश चौटाला विधायक बन गए 2009 में, और यहां से फिर सीधी लड़ाई शुरू हो गई ओम प्रकाश चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह डूमरखां परिवार, जो आज तक चली आ रही है। और जो मैं आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 2024 में उस वर्चस्व को तोड़ दिया देवेंद्र अत्रि ने, आगे बताता चलूं आपको कि 2009 का जो चुनाव मैंने आपको बता ही दिया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एंट्री हो गई, वो चुनाव जीत गए, और वीरेंद्र सिंह डूमरखां उचाना से चुनाव हार गए 2009 में। 2009 के चुनाव के बाद में यह आपके साथ एक बात जरूर जोड़नी होगी कि इस चुनाव में 2009 के चुनाव का असर पूरे हरियाणा के अंदर था। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हुआ करती थी। राजनीतिक लोग बताते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां मिलने गए थे उनसे, और जब चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां उनसे मिलने गए श्रीमती सोनिया गांधी से और बात हुई, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां को सोनिया जी ने बताया कि आपको तो चुनाव चौधरी साहब ही हरा दिया गया, आप हारे नहीं। लगभग 700 वोट के अंतर से चुनाव हारे थे मात्र वीरेंद्र सिंह डूमरखां ओम प्रकाश चौटाला से। खैर, राजनीति में जो जीता वही सिकंदर। 2009 के चुनाव के बाद 2014 का चुनाव आया, और इस चुनाव से पहले बड़ा बदलाव यह हो गया था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हरियाणा के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 2014 का विधानसभा चुनाव मोदी लहर पर लड़ा गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां राज्यसभा सदस्य होने के साथ साथ मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट वजीर बन चुके थे, और उचाना के विधानसभा चुनाव में परिवारवाद के जो सिद्धांत है, जो नियम है बीजेपी का, उसको दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह जो सेंटर मिनिस्टर थे उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता को टिकट दिया 2014 के चुनाव में। श्रीमती प्रेमलता इस चुनाव में चुनाव जीत गई, और उस चुनाव में उनके सामने थे दुष्यंत चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल कैंडिडेट के तौर पर 2014 में। एक बार फिर बड़ा बदलाव हुआ हरियाणा की राजनीति में, वो बदलाव उचाना में भी दिखा 2014 के बाद में, और 2019 के चुनाव से ठीक 8-9 महीने पहले, एक साल पहले इंडियन नेशनल लोकदल दो हिस्सों में बट गई, एक तरफ इनेलो हो गई और एक तरफ जननायक जनता पार्टी हो गई। जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़े दुष्यंत चौटाला 2019 में, और दुष्यंत चौटाला ने रिकॉर्ड वोटों से चुनाव हरा दिया श्रीमती प्रेमलता को, 47,452 वोटों से चुनाव हारी। मैं आपको बहुत जोड़ता चलूं कि ये उचाना विधानसभा क्षेत्र की आज तक की सबसे बड़ी जीत थी। 47,452 वोटों से दुष्यंत चौटाला चुनाव जीत गए, और श्रीमती प्रेमलता चुनाव हार गई उचाना से। 2024 का चुनाव आ गया, 2024 का विधानसभा चुनाव, दुष्यंत चौटाला हरियाणा की सरकार के अंदर डिप्टी सीएम थे, क्योंकि सभी को पता है कि 2019 में बीजेपी को मेजोरिटी मैंडेट नहीं मिला था सरकार बनाने का, अल्पमत की सरकार चली और दुष्यंत चौटाला और इंडिपेंडेंट का साथ मिला। दुष्यंत चौटाला जब चुनाव मैदान में गए 2024 के, तो उस समय वो डिप्टी सीएम नहीं थे।
जो उनका प्रेम संबंध था, प्रेम सगाई थी, प्रेम विवाह था बीजेपी के साथ में दुष्यंत चौटाला का, वो 11 मार्च 2024 को टूट गया। और जब हरियाणा के लिए चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट हुए दुष्यंत चौटाला उचाना से ही, और यहां पर कांग्रेस से कैंडिडेट बने चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे ब्रजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद। चुनाव मैदान में मुकाबला तो कहा जाता था कि इन दोनों का होगा, लेकिन वो मुकाबला दुष्यंत चौटाला के हाथ से बिल्कुल निकल गया और दुष्यंत चौटाला तो इस चुनाव में 5वें स्थान पर पहुंच गए। उचाना का चुनाव चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह 32 वोट से हार गए, मात्र 32 वोट से, और इस चुनाव को जीता देवेंद्र अत्री ने। अगर मैं आपको ये कह दूं कि देवेंद्र अत्री नाम के इस युवक ने जो चुनाव जीते उचाना से, उन्होंने हरियाणा की राजनीति के दो बड़े घराने, राजनीतिक घराने, उनको विधानसभा चुनाव में धूल चटा दी। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे ब्रजेंद्र सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते जननायक जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता दिग्विजय चौटाला, ये दोनों चुनाव हार गए देवेंद्र अत्री के सामने। तो ये थी उचाना की वो कहानी, उचाना का वो किस्से जो राजनीतिक घटनाक्रम में हमेशा याद रखेंगे, चाहे वो संयुक्त पंजाब की बात हो, चाहे पेप्सो का हिस्सा रहते हुए और फिर चाहे हरियाणा बनने के बाद के चुनाव। उचाना ने हमेशा चौधर की राजनीति बड़े नजदीक से देखी है और इस चुनाव के अंदर तमाम चौधर को दरकिनार करते हुए उचाना की जनता ने देवेंद्र अत्री ब्राह्मण समाज के युवक को अपना कैंडिडेट चुन लिया। जाट समाज के दोनों बड़े नेता और बाकी दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, सभी चारों लोग देखते रहे। वीरेंद्र सिंह चुनाव हार गए देवेंद्र अत्री से 32 वोटों से, लेकिन दुष्यंत चौटाला जो 47,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे, वो 2024 आते आते 5 साल के अंदर अंदर अपनी इमेज ऐसी करा बैठे कि उनकी जमानत भी नहीं बची, जमानत जब्त हो गई। तो ये उचाना की जो राजनीतिक गाथा है, जिसके अंदर की 2024 में दोनों बड़े पॉलिटिकल घरानों का राजनीतिक जो करियर है वो बिल्कुल पूरी तरह से दांव पर लग गया। भविष्य की राजनीति क्या होगी, भविष्य की राजनीति के अंदर जो आने वाले 5 साल बाद शुरू होगी, यानी कि 2029 के चुनाव के लिए, अब कई बातें होंगी क्योंकि तब तक डिलिमिटेशन होना है, उसके अंदर उचाना का स्वरूप कैसा होगा, फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के साहबजादे ब्रजेंद्र सिंह पूर्व सांसद और इधर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला, बात यह रहेगी कि इन दोनों में से कौन व्यक्तित्व राजनीति के अंदर ज्यादा सक्रिय रहता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के बीच जो पॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा आई आगे भी चलेगी, और या फिर देवेंद्र अत्री ने जो ये वर्चस्व तोड़ा है, ये वर्चस्व परमानेंटली कंप्लीटली टूट जाएगा। आपको क्या लगता है उचाना विधानसभा क्षेत्र में आगे क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।